हे दोस्तों, फिलहाल वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप देख रहे हो तो भाई बहुत खतरनाक रास्ता जिसे बोलते हैं वो वाला है। यहाँ पे इस तरीके के रिजॉर्ट भी हैं, मंदवाना रिजॉर्ट। और अभी हम जा रहे हैं आगे। ये सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया है, जंगली एरिया, जहाँ पर तेंदुए भी मिलते हैं और हिरन वगैरह भी हैं काफ़ी है। और मॉर्निंग हिल्स में क्या है, नीचे आपको ना बोर्ड मिल जाते हैं, नीचे बोर्डों पे ही लिखा रहता है कि आप यहाँ पे किसी भी वाइल्ड एनिमल को एक तो नुकसान नहीं पहुँचाओगे, और क्योंकि उससे भाई दिक्कत बन सकती है अगर खाम खागी पुलिस वगैरह की सिस्टम। और तो यहाँ पे भाई इस तरीके का एरिया देखो एक बार, कितना जंगली एरिया, सिंगल रोड है। और पता क्या, ये रोड है ना, इधर तो है पहाड़, और इस साइड अगर देखोगे ना तो बहुत गहरी खाई है नीचे। तो देखो घर भी बने हुए हैं यहाँ पे, मैगी वैगी का पॉइंट। और समय हो चुका है काफी लेट। अब दिख गया आरके फैमिली रिजॉर्ट, HD में दिख जाएगा, 4K में नहीं दिखता जूम होने के बाद। तो इस तरीके का ये हिसाब किताब है। यहाँ पे चलेंगे नीचे और फिर देखेंगे भाई, गाड़ी अपनी पार्क हो गई है। चले विनीत जी, आ जाओ। कितना अच्छा, जैसे बोलते हैं ना वो व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। बैक साइड का भी होटल भी काफ़ी अच्छा है। और अब समय हो चुका है मेरे ख्याल से 11 के आसपास का, और सीधे मुरथल से स्टॉपेज यहीं पे हुआ है मोरनी के पास। और आपको सुबह दिखाएंगे भाई, यहाँ का इतना बढ़िया नज़ारा है ना, जैसे बोलते हैं एक नंबर का, इतना दिल खुश जैसे बोलते हैं वो गुड मॉर्निंग होती है यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग आपके साथ सुबह ही करेंगे। और व्यूअर्स भाई प्लीज़, अगर वीडियो पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थकान हो चुकी है भाई ज़बरदस्त, और पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे रूम, भाई आलिशान रूम। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिलहाल डे 17 डेट, और भाई काफ़ी मस्त व्यू है सुबह का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हैं मोरनी की पहाड़ियाँ, जो कि पंचकुला से अपने राइट साइड पड़ती है, और इन्हें शिवालिक की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो फिलहाल दोस्तों रेडी हो चुके हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है, सेब लाए थे साथ में। नीचे ना रात को एक बाघ मिल गया था, बहुत मस्त वहाँ पे ना लगी हुई थी, तो वो भी मतलब प्रॉपर ये था कि प्राइवेट था, बनाया हुआ एक मैन्युफैक्चर्ड। तो मैं क्या, देखी जाएगी रात को, पकड़े तो जाएंगे नहीं थोड़े ली। झूला पा गया भाई, झूला पा गया, व्यू एक नंबर। ऊपर घर भी है भाई, और नीचे भी काफी घर बने हुए हैं। तो अभी आ गए हैं टेरेस पे, और टेरेस काफ़ी अच्छा है भाई, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। और अभी बात करते हैं मॉर्निंग हिल्स के बारे में। मॉर्निंग हिल्स क्या चीज़ है, पंचकुला में पहाड़ियाँ हैं, पंचकुला के नज़दीक है पहाड़ियाँ, और इन्हें हम अगर कोई भाई
सरकारी पेपर की तैयारी वगैरह कर रहा हो तो इन्हें हम शिवालिक की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ काफ़ी एरिया तक फैली हुई हैं, पीछे देखो एक बार सारी की सारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। थोड़ी सी लाल किलर की यहाँ पे मिट्टी वगैरह मिलती है और खेती वगैरह भी होती है यहाँ पे। हाँ, लैंडस्लाइड वगैरह कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। और उसके बाद अब बात करते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आराम से बात करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम शिवालिक की इन पहाड़ियों पर आप कैसे आ सकते हैं। तो पंचकुला चंडीगढ़ दोनों ही रास्ते हैं, अम्बाला से भी रास्ता होता है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट करना है ना, शॉर्टकट एक बहुत आसान है। जैसे ही आप कुरुक्षेत्र पार करोगे तो उसके बाद शाहबाद मारकंडा नदी आती है। मारकंडा नदी के बाद जस्ट उससे मारकंडा नदी जैसे क्रॉस होती है तो आपको सीधा मतलब एक लोकल रोड हो जाता है जो सर्विस लेन। तो सर्विस रोड पे आपको अपनी गाड़ी चला लेनी है और उसके बाद जो अंडर ब्रिज का जो अंडर पास आता है ब्रिज का, तो अंडर ब्रिज का जो पहला ही कट है राइट साइड का, तो राइट साइड को मुड़ जाना है, वो रोड सीधा आपको शाहा निकालेगा। शाहा से होते हुए बिल्कुल सीधा 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 सीधा, कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधा चलना है। उसके बाद बीच में एरिया आता है, थोड़ा सा पहाड़ियों का स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से एक हल्का सा जिसे बोलते हैं वो कट लगता है राइट साइड को। और वहाँ पे एक चीज़ और है, अगर उस रोड पे आप चला रहे हो ना, थोड़ा सा स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है, नहीं तो चलान वगैरह कट जाता है। और दूसरा चीज़, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जैसे चीज़ें होती हैं ना, तो वो भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे तेंदुए वगैरह हो गए, लेपर्ड वगैरह और डियर हिरन वगैरह, तो वो चीज़ अभी वहाँ पे कई बार। और उनके लिए स्पेशल पता है क्या, वहाँ पे ना एक ब्रिज भी बना रखा ऊपर से, तो वो ब्रिज मैं रात को दिखा नहीं पाया क्योंकि रात को थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया था, रात को काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और सुनसान इलाका था पूरा का पूरा। तो मन में कई बार, मैं यहाँ पे वैसे आया तो दूसरी बार हूँ, मगर क्या बोलते हैं, मन में एक डर भी था एक चीज़ का कि भाई कहीं काम का, नई नई जगह ना पहली बार डर आता है, ये चीज़ है, डर सा लगता है कि हाँ भाई पता नहीं कैसा इलाका होगा, कैसे यहाँ पे लोग होंगे या फिर कैसा माहौल होगा, तो उस चीज़ का सिस्टम रहता है। तो फिर उसके बाद आप वहाँ से आराम से गाड़ी निकालो, वहाँ से राइट साइड को एक कट लगेगा और उससे फिर आपको सीधा आना है। बीच में बोर्ड आपको दिखते रहेंगे मोरनी की तरफ, मोरनी की तरफ ही गाड़ी आपको मोड़नी है और बहुत खुशबूदार जैसे बोलते हैं ना, वो यहाँ का एटमॉस्फेयर है। और अब पहुँच जाओगे फिर मोरनी हिल्स के आसपास आप, हमारे भाई फोटोग्राफर फोटोग्राफी चल रही है ज़बरदस्त भाई, व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं विनीत भाई, एक नंबर है भाई, एक नंबर 3x पे, सही में मज़ेदार। कैसा फील हुआ आपको? तो शांति के लिए आते हैं, तो मस्त जो शांति का यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, शांति मिलती है तो शांति ही है नॉट वो शांति बट मन की शांति। खुशबू वगैरह महसूस हो रही है, अलग सी ठंडी ठंडी सी, पेड़ों की खुशबू होती है अच्छी, जो पहाड़ों में पेड़ होते हैं उनकी एक निराली खुशबू होती है। व्यू काफी अच्छा है, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो या फिर फैमिली के लिए, ठीक है वैसे है ना, फैमिली के लिए तो बेस्ट प्लेस है, नियरेस्ट एंड बेस्ट प्लेस। वैसे नु अगर फैमिली के लिए शांति वगैरह चाहिए होता है यहाँ पे आ जाओ, है ना, मतलब ये कि ना तो ट्रैकिंग वगैरह ज्यादा, मतलब थकावट भी नहीं होगी आपको, सैटरडे संडे एंजॉय करना है तो यहाँ पे सबसे अच्छा है, नियरेस्ट टू आवर डेस्टिनेशन, नियरेस्ट हिल स्टेशन और व्यूज अच्छे हैं, माहौल अच्छा है। एक दूसरी चीज़ है, अगर टेम्परेचर सही है, मतलब इतना भी ख़राब नहीं है कि यहाँ पे कति ज़्यादा ठंडा हो, है ना, कई जगह ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो तो परेशान हो जाओ वहाँ पे, और भाई साहब मौसम देखो बदल गया, बदल गया मौसम, बदल गया एक सेकंड, मौसम बदल गया, बादलों में सूरज गया, घर घर आ गया सूरज अपने, अरे भाई बदल आ गया, बदलों की बदमाशी चल रही है, मिला ये हो रहा सूरज। ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे आने का। फिलहाल मैं दिखाने वाला हूँ भाई आपको, एक हिरन मेरे को दिखा अभी जंगल में, और मैं बोल रहा था ना कि डियर है यहाँ पे, तो मैं वो
गोरा भाई साहब छुप गया, रामखोर छुप गया भाई, छुप गया, आएगा आएगा, छोटा सा बच्चा, बच्चा तो ना दूर तो लगा, बाकी बड़ा हुआ है वो पूरा, इसका शिकार ही ना हो आस पास, जब ही सीधी से हो जाएगी तेंदुआ तुंदुआ हुआ ना, इनकी भी किस्मत का खेला सारा। क्यों भाई तेंदुआ ने लिगड़ा ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए उसने तेंदुए ने ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, अरे आड़ो कौन सा तेंदुआ बढ़ रहा है कित गया ये रहा, ये तो आदमी तेंदुआ भाई, एक तेंदुआ और जानना जा बाजी का बोल रहा कित गया देख अपने शहर में कितना शोर होता है और कितनी आबादी है, इतना शोर शराबे से दूर ना, जैसे हम पहाड़ों में आते हैं तो यहाँ पे जो शांति है ना, यहाँ के जो पेड़ है ना, जो बातें करते हैं पेड़, ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ की एक अलग आवाज है। हाँ ये भी अभी जो महसूस कर रहे हैं ये है कि मन की शांति, आप शोर शराबे से दूर हो और मन की शांति जो होती है ना वो उसकी जो उसकी तो कोई मूल्य ही नहीं है। हाँ डिप्रेशन बाबू भैया, डिप्रेशन आजकल दुनिया डिप्रेशन में है, यही तो है, डिप्रेशन से बाहर निकलो और मोर नहीं दिसाओ तो भाई भालू भी दिख जाए तो जी सा आ जा, कभी मजा आ जाएगा, भालू बुल्लू दिख जाएगा था। काफी टाइम होगा जंगली जानवर देखे, कभी सर्कस वगैरह में देखते थे, और हिरन मैंने लाइव, मतलब एक बोलते हैं ना विदाउट एनी इंटेंशन देखा है, कि जैसे मुझे इंटेंशन नहीं थी, हिरन उड़ा भाई, उधर बीच में पेड़ है, उड़ा खान लग रहा, कुछ हिला था वो पेड़, तो भाई हिरन भी अभी फिलहाल यहीं पे है, ब्रेकफास्ट करने के लिए आया है, उसकी चाय वगैरह का टाइम हो गया होगा, तो हमारा भी चाय का टाइम हो चुका है, हम भी अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, तो चले नीचे के करा, हाँ करते हैं नाश्ता, आओ भी तुम भी आओ फिर सारे के साथ रात के लिए। नहीं भाई ब्रेकफास्ट हो रहा है और क्या बोलते हैं दही वगैरह काफ़ी टेस्टी है, बहुत टेस्टी भाई, बहुत टेस्टी परांठे बनाते हैं। कल मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो सामने देख रहे हो आप, अगर हरियाणा की कोई सबसे बड़ी ऊंची चोटी है तो वो ये वाली है, देख सकते हो, और इसके पीछे वो वाले पहाड़, वो सारे हिमाचल स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई एसएससी वालों अपनी नोटबुक में लिख लो, तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है भाई, और मंदिर रास्ते में काफी आते हैं, तो सामने देखो और व्यू, वाओ भाई साहब एक नंबर का भी हो, यहाँ से बादल यहाँ से आ रहे थे, देख लो नदी है के सामने, पानी का कुछ लग गया, हाँ कुछ स्रोत तो है, पानी का स्रोत तो है, झील वगैरह। तो भाई फिलहाल जा रहे हैं आगे, और ये लोग आते हुए लोकल्स, बस देखेंगे आगे का रास्ता कैसा है। चलो भाई चीज एक नजर आई कि लोगों ने पंचकुला के हैं जो चंडीगढ़ के हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लेके और कमर्शियल एक उनका व्यू कर दिया, जैसे होटल वगैरह बना दिए, और उन्होंने अपने लिए भी पर्सनल यहाँ पे होटल में ही रूम वगैरह या फिर एक अलग कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाया है, जहाँ पे क्या बोलते हैं वो अपना पर्सनल रह सकते हैं या फिर अपना घूमने आते होंगे तब टाइम एंजॉय करते होंगे, तो मजेदार कंसेप्ट है, सोचेंगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ इसी प्रकार का। तो अभी आइए चलते हैं आगे। तो भाई हरियाणा का छोटा शिमला मोरनी हिल्स, पेड़ यहाँ पे भी वो हैं जो बर्फ जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। भाई साहब व्यू
और ऊपर से बादल कति बेईमान हो रहे हैं, बादल बरसेंगे। लेकिन लोग बाग ना 300-300 किलोमीटर जाते हैं, 300-300 किलोमीटर और 300 क्या 500 किलोमीटर भी जाते हैं, मनाली जाते हैं। आप दिल्ली से मतलब 200 किलोमीटर है दिल्ली से यहाँ पे, ये देखो व्यू देखो आप। और लोग मतलब यहाँ पर आते भी नहीं है यार इतना मोरनी हिल्स पे, मतलब पता है क्या है, वो लोग प्रेफर को ना करते इस चीज में, लेकिन खूबसूरती आ रहा है ये चीज। मालूम ही नहीं है भाई, मालूम ही नहीं है किसी को। अरे मालूम तो भाई तेरों ना पाओगा यार, पर को ना लोग नहीं आते यार, सिर्फ नु मान लोकल जो चंडीगढ़ वगैरह के हैं वो आ जाएं, क्योंकि उनको मालूम है भाई यहाँ पे ये जगह है। हाँ शांति लेन का तिहाड़ जाते होंगे ये भाई, सामने गांव है एक और... शिमला से तो बहुत बेटर है, शिमला से तो ये लगा रहा 200% बेटर है ये जगह। या वाली हाँ पक्की बात है, पक्की बात है बिल्कुल 101% क्योंकि मैं शिमला गया हुआ हूँ, वहाँ पे इतना क्राउड है कि आप शांति जो आप जैसे पहाड़ों में जाते हो शांति के लिए वो वहाँ पे मिल नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पे क्राउड बहुत कम है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, मतलब भीड़ इतनी हो गई है, वो जो शोर आड़ था ना दिल्ली में, हाँ हाँ वो शोर उड़े नजर आवे। कई बार तो शिमला में क्या करे, मेरे भाई गए थे और शिमला में जैसे भाई गया था एक, और उसमें क्या हुआ उस टाइम पे ठंड का मौसम था ज्यादा, जो पानी की होती ना कमी, रियल कमी हो गई थी, रियल बिल्कुल जिसे बोलते हैं, बिस्किट वगैरह भी महंगे हो गए थे वहाँ पे। और दूसरी चीज पानी की बोतल कम से कम भी 150-150 रुपए की एक मिलने लगी थी उस टाइम पे, और जो पानी सप्लाई का पाइप होता है ना उसमें पानी जम गया था अच्छी तरह से। और वो सिचुएशन वो बताता है ना, तब तो वो बोलता है कि वापस आने का भी रास्ता नहीं था, मतलब क्योंकि एक रास्ता होता ना जैसे रोड ये सड़क है, तो ये शिमला से भी कई किलोमीटर पीछे तक पूरा जाम हो गया था, पूरा टोटली जाम। फिर पता नहीं कैसे ट्रैफिक वगैरह पुलिस वगैरह आई होगी, उन्होंने मैनेज किया होगा। तो भाई थोड़ा सा शांति के माहौल में आओ, घूमो यहाँ पे गाँव में, देखो लोगों से मिलो, बहुत अच्छा मजा आता है। अच्छा हाँ एक चीज़ और, रास्ते में जैसे हम आ रहे थे तो एक जगह मैंने बोर्ड भी पढ़ा था, यहाँ पे भाई जंगली पेड़ पौधे भी हैं, तो उनमें जिनमें जहर वगैरह थोड़ा सा होता है, तो भाई यहाँ पे ये चीज़ भी बिल्कुल देख के चलनी पड़ती है कि आप किसी जहरीली पेड़ पौधे को ना छुएं, खामखा आपकी हेल्थ को दिक्कत हो सकती है। तो ये जानकारी आप कॉशन में लिख लीजिए, सावधानी में लिख लीजिए अगर आप घूमने आते हो तो। बाकी मजेदार भी होगा, लोग आते जाते हैं इधर से भी, देखो पीछे आ रहा हूँ बाइक वाला दिखा, वो बने हुए हैं हो गया। तो भाई रोड कंस्ट्रक्शन में चल रहा है फिलहाल और रुक गए हैं यहाँ पे भाई साहब, खुशबू अलग ही है यहाँ की, खुशबू सही बता रहा हूँ, फील करके देखो भाई मजेदार। अपलो 0.5 में देखो कितना पूरा एरिया सुकून है, बिल्कुल अलग सा सुकून। और जो वो एरिया ना वहाँ से अलग सी आवाज सी आ रही है, पेड़ पौधों की और जैसे चिड़िया वगैरह, कितना मजेदार व्यू है। पर लेकिन उस हिसाब से खतरनाक भी है, अगर कोई बंदा गिर जाए तो यहाँ पे बचने की उम्मीद काफी कम है, नीचे तक ही जाएगा सीधा। तो यहाँ पर छोटे छोटे से गांव है भाई, बहुत छोटे छोटे गांव है, और फिलहाल रोड कंस्ट्रक्शन में है। अभी डेट 17 सितंबर 2022, तो आपको बिल्कुल सिंगल रोड मिलेगा, बिल्कुल सिंगल आने के लिए, और नीचे बिल्कुल खाई है, रिस्की है, रात को सफर करने का लायक रोड नहीं है। तो रात को सही डिसीजन था जो हम रुक गए, क्या बोलते हो विनीत जी? बिल्कुल सही डिसीजन, भाई रोड से नहीं आया जाता रात को, और वैसे भी रिस्की रहता है रात को, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन चल रही हो शायद यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों में ज्यादातर रात को कंस्ट्रक्शन रहा है ताकि दिन में ट्रैफिक वगैरह डिस्टर्ब ना हो भाई, जो रात होता है वो अच्छा होता है भाई। देखो
और दोस्त कैमरे में कैद करके ले जाऊंगा और नहीं एक्सप्लोर करके ले जाऊंगा। कहाँ गए भाई? हरियाणा गए हैं। HR 06 पानीपत। HR 06 पानीपत। और ये भाई भी घूमने आए हुए हैं भाई। बाइक पे भी एक अलग ही मजा आता है। स्प्लेंडर हमेशा कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटी मोटी बाइक या फिर बड़ी बाइक का कोई वो नहीं होता, लेकिन आना जरूरी होता है यार ट्रिप पे। फिलहाल दिखा रहा हूँ मैं आपको एक छोटा सा पानी का पॉन्ड, और जिस तरीके से हमारे गांव में होता है उसी तरीके से यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह या फिर गायें वगैरह पानी वानी पीने आती हैं भाई। तो इस तरीके से भी गांव में ये चीज़ें मिल जाती हैं। मज़ेदार मज़ेदार। तो ये है रिजॉर्ट भाई साहब। ये तो बंद है मामला, अंदर भूतिया माहौल होगा। तो मॉर्नी हिल्स रिजॉर्ट के पास पहुँचे हैं भाई, और यहाँ पे बिल्डिंग पता नहीं कैसी है। ये भूत हो सकता है इसके अंदर। भूत तो भूत को एक्सप्लोर करें। आज वो भूत को एक्सप्लोर करेंगे एक बार। एक आधा भूत तो भाई साहब, भाई साहब पेड़ देखो एक बार आगे। अपने हरियाणा में तो कट चुके हैं मूर्थल में, पेड़ देखो मोटे वाला। बस यहीं लगा दें, नीचे उतर के चले जाएंगे। शीशे बंद। तो अभी फिलहाल आ गए हैं भाई बाहर, और देखो यार यहाँ पे इलाके मतलब सुनसान टाइप भी हैं, और रोड गलियाँ ऐसी हैं, पथरीला इलाका। शीशे वीशे भी टूटे पड़े हैं इसके, तो खाली है वैसे मकान। भाई साहब पक्का वांटेड पाव है, देखा पक्का 100%। देख कोई भी नहीं है, बंद है यो, है ना? क्या है वांटेड पाव का? वांटेड पाव का भूत बात है ना। तो अभी रिजॉर्ट के पास आ चुके हैं भाई एक, और जो कि बंद पड़ा हुआ है। इससे आगे एक ये रास्ता सा जा रहा है, और पेड़ों के बीच में फिलहाल खुशबू। हा 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 मज़ेदार। हमारे NH1 पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे। मेरा था वैसे रात को मन था, मैं क्या एक आधा जैसे गाड़ी में तो हम जा ही रहे थे, तो मैं कई बार भाई को बोल रहा था बीच बीच में कि एक लेपर्ड मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा, उसका भी शॉट लेंगे। कर तो कुछ सकता नहीं गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद क्या काटेगा। तो लेकिन वीडियो बन जाती है। ओ भाई रिजॉर्ट, तो दिखाते हैं आपको रिजॉर्ट, दिखाते हैं अभी रास्ता वहाँ पे है उस साइड आगे। और अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चीज़ें हैं बहुत। हाँ ये है कि गांव टाइप का माहौल है भाई। यहाँ पे एक मॉर्नी रिजॉर्ट एक अवेलेबल होता है, और जिसका कॉस्टिंग वगैरह जैसे हमने भाई से बात की है, तो भैया ने बताया कि यहाँ पे 5000 पर नाइट कॉस्ट पड़ती है, और जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबलिटी मिलती है इतने अच्छे पार्क की, और साथ के साथ आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कैंपिंग वगैरह मेन होता है भाई। जैसे लद्दाख वगैरह में भी कैंपिंग देखी थी आपने, और केदारनाथ में भी सेम एज इट इज़ था कई जगह, और गार्डन वगैरह और पूल भी आपको साथ में मिलता है, आप पूलिंग वगैरह का भी मज़ा ले सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा नेचर है भाई इधर, बहुत अच्छा नेचर। तो फिलहाल भाई भैया ने बताया सोल्ड आउट है, सब कुछ बुक हो चुका है, तो हमें यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। मज़ेदार चीज़ दिखाऊं, एरिया और घर को ठंडा रखने के लिए घर के छत पे ही घास वास उगा रखी है इस तरीके से। अभी देखो एक बार मिट्टी डाल के उसके ऊपर घास उगा दी, जिससे गर्मियों में भी छत ठंडी रहे। कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, गेट वगैरह लग गए हैं, तो आई थिंक ये भी रूम वगैरह ही बन रहे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब के दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, बाथरूम वगैरह टाइप भी है, और ईंटें लाल वाली यूज़ होती हैं। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा व्यू। मेरे ख्याल से फिलहाल यार सीजन टाइप होगा कुछ अभी। हाँ अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है यहाँ।
तो भाई आप देख रहे हो फिलहाल लाइव टेलीकास्ट, रेस चल रही है बहुत खतरनाक वाली, और यह दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जीव। तो ये है भाई एक कैंपिंग साइट, अगर खुद का अगर आपके पास कैंप है और जज्बा है, रह सकते हो इन पेड़ों में, डर की बात नहीं है, अगर घबराहट से दूर हो तो यहाँ पे रह सकते हो तुम। एक नंबर लोकेशन है कैंपिंग के लिए, रात को लकड़ियाँ वगैरह भी जला सकते हो, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह अवेलेबल है। बहुत मज़ेदार साइट है पंचकुला में, पंचकुला मोरनी हिल्स। और हाँ ये कि भाई बिल्डिंग है ये भूतिया, बिल्कुल 100% जिसे बोलते हैं वो नेचुरल नेगेटिव एनर्जी इसमें बहुत होगी शायद, क्योंकि बंद है ये और टूटा हुआ भी पड़ा है, शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, ऊपर कमरे भी खुले हुए हैं, तो मे भी रात को आवाज़ें वगैरह भी आएँ आपको तो। लेकिन एक अलग ही कंसेप्ट रहेगा इधर कैंपिंग करने का। फिलहाल हम कैंप लाए नहीं हैं भाई इस बारी इस ट्रिप पे, क्योंकि थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी हैं, तो इसलिए हम कैंपिंग नहीं लेके आए। तो चले चलते हैं आगे।